आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला मुरादाबाद के ब्लॉक मुंडा पांडे के गांव बूजपुर आशा पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 18 किलोमीटर तो ब्लॉक से मात्र 5 किलोमीटर है। 2500 वोट और 8000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती आशा यादव के हाथों में है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर गाँव की कमान इनके हाथों में सौंप दी है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में काफी अच्छा विकास कराया है। 4 वर्ष में कितना विकास हुआ है और क्या समस्याएं अभी बाकी हैं, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबानी। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं ब्लॉक मुंडा पांडे के बूजपुर आशा गांव में। यहां प्रधान द्वारा अब तक काफी विकास करवाया जा चुका है, जिसकी पूरी जानकारी हम प्रधान जी से लेकर ही आपको प्रेंग, तो आइए चलते हैं प्रधान जी के पास। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। 4 साल आपके कार्यकाल को जो है पूरे बीत चुके हैं, क्या क्या विकास कार्य आपने अब तक अपने गाँव में करवा दिए? हमने अपनी मैडम, हमने गांव ODF कराया 3400 शौचालय बनवाए अपने गांव के अंदर जी। 800 मीटर RCC डलवाई है, 15-16 रास्ते CC टाइल्स डलवाए हैं, 24 लोहिया आवास बनवाए हैं, 6 प्रधानमंत्री आवास बनवाए हैं, स्कूल का कायाकल्प के तहत स्कूल की 4 दीवारी, ब्लैक बोर्ड, शौचालय काफी सौंदर्यीकरण स्कूल कराया है मैडम जी जी जी। और जो भी स्कीम सरकार सरकार जैसी योजनाएं जो भी चलाती हैं यहाँ गरीबों के लिए, तो आपकी ग्राम पंचायत में सभी को मिलता है? सभी को लाभ मिलता है। किसान सम्मान निधि का पैसा कितने परसेंट लोगों को? किसान सम्मान निधि का पैसा 90% लोगों को मिल चुका है। हमारे यहाँ 10% लोग रह गए हैं। हमारे मुख्य सचिव का प्रोग्राम लगा हुआ था यहाँ पर, इस चक्कर में हमारे तहसीलदार मैडम आई थी, उन्होंने गाँव में जो लोग रह गए थे सबका अनाउंस कराया, सबको बुलवाया, लेखपाल को जो भी समस्या सभी कागज ले दिए हैं। बाकी मतलब लगभग सभी लोगों को इसका लाभ मिला है। हमारे तरफ से भरसक प्रयास है, कोई हमारे गांव में लाभ से वंचित नहीं रहे जी। 100 नंबर 102 नंबर की सुविधा समय पर मिल जाती है जी, जी, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, ये सब बने हैं। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट लगवाई है। अब अपने गांव को सुंदर और विकसित बनाने के लिए क्या प्रमुख मांग आप सरकार से रखना चाहेंगे? हमारे सर मैडम यही मांग है, हमारे शमशान की अति आवश्यकता है, इसके लिए हमने प्रस्ताव दे रखा है जिले पे, सोचते हैं सरकार हमारे प्रस्ताव पे। इस ग्राम पंचायत पे शमशान घाट नहीं है तो अध्यक्ष स्थल के लिए आपको कितनी दूर यहाँ से जाना पड़ता है? तो गांव में करीब 400-500 मीटर दूर है यहाँ से, पर थोड़ा कच्चा बरसात में परेशानी होती है। बरसात के दिनों में आपको काफी परेशानी वहाँ पर होती है। घर है यहाँ? बरात घर नहीं है मैडम हमारे यहाँ पर। पंचायत भवन? पंचायत भवन नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र? दो आंगनबाड़ी केंद्र हमारे बन चुके हैं। खेल का मैदान नहीं है हमारे यहाँ। क्या ग्राम समाज की भूमि नहीं है गांव में? ग्राम समाज की भूमि है हमारे यहाँ पर। तो इसके पंचायत भवन या बारात घर के निर्माण के लिए आपने कभी कोई प्रस्ताव या शिकायत रखी है? प्रस्ताव हमने दे रखा है, पंचायत भवन के लिए भी रखा है जी। एक आंगनबाड़ी के लिए और प्रस्ताव भी रखा है। मैं दो आंगनबाड़ी बन चुके हैं हमारे, 3 के अंदर आंगनबाड़ी के, 2 बन गए, 1 के लिए और प्रस्ताव दे रखा है। कितने परिवार यहाँ ऐसे होंगे जिन्हें आवासों की आवश्यकता है? करीब मुश्किल से पात्र लोग तो 10-20 ही होंगे, बाकी आवास की व्यवस्था तो ज्यादातर लोगों की रहती है जी जी। सरकारी नजर में तो मानक पात्र जो है वो 10-20 लोग ही हैं जी मैडम जी। क्या कच्चे रास्ते अभी हैं गांव में? कच्चे रास्ते 1-2 रह गया मैडम। ये किस्त हमारी आई थी, सरकार का आदेश मिला कायाकल्प के तहत जो है स्कूल में कार्य कराया, जिससे हमारे 1-2 रास्ते हमारे गाँव में रह गए। कितने मीटर CC से रास्ता पूरा पक्का हो जाएगा? 200-250 मीटर CC डलवा देंगे, उससे पूरा गाँव हमारा कम्प्लीट हो जाएगा मैडम जी जी। और कुछ आप कहना चाहेंगे, आपके गांव में कोई समस्या ऐसी है जिसके लिए चाहेंगे कि सरकार से जो है आपको खास तौर से मदद मिले? क्या कभी सांसद निधि, विधायक निधि, इससे आपके गांव में कोई मदद मिली है? सांसद निधि से भी हमारे गांव में जो हमारा मेन रोड है पुलिया बाजार का, उससे भी रोड पड़ा हुआ है, सतपाल सैनी जो सांसद थे उनके माध्यम से जी। और हमारा गांव लुइया विधायक हाजी रिजवान के माध्यम से हुआ था जी, काफ़ी विकास हुआ विधायक जी के माध्यम से ही, सांसद जी के माध्यम से ही हमारे काम हुआ, लाइट भी लगी हुई जी। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफ़ी विकास इस गांव में करवाया जा चुका है, लगभग 80-90% ये गांव विकसित हो चुका है। जैसे कि CC टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, नाली निर्माण, स्कूल में भी कायाकल्प के अंतर्गत काफ़ी सौंदर्यकरण करवाया गया है, आवास भी मिले हैं यहाँ, 400 शौचालय से ये गाँव ODF भी हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ समस्याएँ यहाँ बाकी हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर बारात घर और पंचायत भवन निर्मित नहीं है, जिसको लेकर प्रधान ने यहाँ मांग रखी है। लगभग 20 परिवार यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की जरूरत है। 200 मीटर CC की भी यहाँ प्रधान जो है मांग रखते हैं। इसके अलावा सबसे प्रमुख समस्या और प्रमुख मांग जो यहाँ प्रधान द्वारा रखी गई है वो शमशान घाट की है। तृष्टि स्थल के लिए यहाँ पर मांग रखते हैं, क्योंकि बरसात के दिनों में काफी परेशानी का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ता है। अशरफ अली के साथ मैं नाजरीन टुडे 24 से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम इकराम अख्तर है जी। सर आप यहाँ इस विद्यालय में किस पद पर हैं? अभी मैं यहाँ जूनियर हाई स्कूल बूजपुर आशा में सहायक अध्यापक हूँ जी। ग्राम प्रधान द्वारा यहाँ विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? प्रधान जी द्वारा विद्यालय में बाउंड्री कराई गई है, गेट लगवाया गया है, टाइल बिछवाई गई है, क्लासरूम में टाइल बिछवाई गई है जी, और दीवारों पर टाइल लगवाई गई है,
उधर शौचालय का निर्माण कराया गया है बालक बालिकाओं के लिए अलग और हैंड वॉश के लिए बाकायदा टोटी वगैरह लगवाई है और किचन शेड में भी टाइल लगवाई है पत्थर टाइल। जब आपको जरूरत होती है ग्राम प्रधान समय देते हैं जी? हाँ जी,